हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज अ गर्ल और एज अ बॉय आपको कनाडा जाते वक्त या फिर कहीं भी अब्रॉड जाते वक्त कौन से क्लोथिंग की नीड है और आपको कौन सी चीज़ें लाइक कौन से क्लोथ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से हैवी वेट उठा के ना लेके जाओ और जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी चीज़ है वही यहाँ से शॉपिंग करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग ब्लॉग्स लाती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लॉग। तो क्लोथिंग में सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको सबसे पहली चीज़ कैरी करनी है, दैट आर योर फॉर्मल्स, बिकॉज वहाँ जाके एज अ स्टूडेंट आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे या फिर आपको ऑफिस वर्क जाना पड़ेगा। तो पहली बात, मतलब आपके पास फॉर्मल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कनाडा में फॉर्मल्स नहीं मिलते, बट दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। सो फॉर्मल्स के दो पेयर्स तो आपको ज़रूर कैरी करना है। तो मैंने एज अ गर्ल यहाँ पे दो पैंट्स ली है। दिस इज़ वन पैंट, ये जो ब्राउन पैंट है वो, और एक है ये मेरी ग्रे कलर की फॉर्मल पैंट। तो ये दो मैंने कैरी की है। आप अगर लड़के हो तो भी आपको दो पैर कैरी करने चाहिए, पैंट्स एंड शर्ट। गर्ल्स कैन ऑल्सो गो फॉर सेम लाइक पैंट्स एंड शर्ट, और एल्स दे कैन ऑल्सो कैरी स्कर्ट एंड शर्ट्स। शर्ट्स मैंने नहीं लिए क्योंकि जैसे मुझे चाहिए थे वो मुझे जितने मेरे अवेलेबल टाइम था उतने में नहीं मिला, तो मैं वहाँ जाके लूँगी। बट यू शुड कैरी फॉर्मल्स इफ़ यू हैव ब्लेजर, देन डू कैरी इट। उसके अलावा अभी ये बात हो गई फॉर्मल्स की, कैजुअल जैसे आपको रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, बाहर कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए आपको लेके जाना है पैंट्स। जैसे ऐसे ये लूज पैंट्स होती है, ये मैंने H&M से ली है। यू कैन बाय फ्रॉम एनी ब्रांड ऐसे लूज जो पैंट्स होती है, ये आपको करना है बिकॉज ये कैजुअल पैंट्स है, ये आप बहुत कंफर्टेबली वहाँ पे पहन सकते हो। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर होगी, तो आप कोई ऐसे शॉर्ट कपड़े तो वहाँ पे नहीं पहन पाओगे। बॉयज़ भी डू कैरी सच काइंड ऑफ ट्रैक पैंट्स, और उस ये दो से तीन आप कैरी कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे दो से तीन कैरी किए, ये एक मैंने डिकैथलॉन का भी कैरी किया है, अलग अलग कलर्स में मैंने कैरी किए दो से तीन पैंट जो कैजुअल, जो मैं कॉलेज जाते वक्त भी यूज़ कर सकती हूँ। और उसके ऊपर आप बेसिक टॉप्स ले सकते हो, जैसे मैंने ये लिए है, ये आप अंदर डाल सकते हो। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन क्लब इट विथ अ ब्लेजर। तो आप ऐसे नॉर्मल जो टी शर्ट्स होते हैं वो तो आप ज़रूर लेके जाना। सो कैजुअल पैंट्स, ट्रैक पैंट्स, 2 to 3 पेयर्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, एंड कैजुअल टी शर्ट्स जो आप बाहर जाते वक्त यूज़ करो। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ जीन्स। जीन्स के भी दो पेयर ज़रूर कैरी करना, जैसे हैवी जीन्स जो होती है मोटे मटेरियल की, वो भी आप कैरी करना। और मेक श्योर कि आप कॉम्फी क्लोथ्स लेके जा रहे हो, बिकॉज वहाँ पे वेदर कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप कॉम्फी क्लोथ्स लेके जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे दो जीन्स ली है मैंने अच्छी खासी। अगर आपको रिप जीन्स पसंद है आप रिप भी ले सकते हो। मैंने प्लेन बेसिक कैजुअल जो कार्गो टाइप होती है लूजी, वैसे जीन्स ली है। उसके अलावा मैंने कुछ टॉप्स भी लिए कि अगर कुछ स्पेशल फंक्शन होगा तो अच्छे खासे टॉप्स, लाइक फुल स्लीव्स के भी मैंने 2 से 3 टॉप लिए हैं। दिस इज़ द थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम कैजुअल टी शर्ट्स जो आप कॉलेज जाते वक्त यूज़ करोगे, उसके अलावा आपको हुडी भी लेनी चाहिए। 2 से 3 हुडी तो आपको कैरी करनी है। सो मैंने ये एक लिया है फुल स्लीव्स का जो टी शर्ट है, ये भी मैं कॉलेज जाते वक्त यूज़ कर सकती हूँ। देन ये एक है, दिस इज वन फुल स्लीव्स, देन दिस इज वन। तो ये ऐसे मैंने फुल स्लीव्स के जो टी शर्ट्स है वो लिए हैं। एक शर्ट भी लिया है, यू कैन ऑल्सो कैरी सम फुल स्लीव्स शर्ट लाइक दिस। और हुडीज और जो फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स होते हैं वो तो आप ज़रूर 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 कैरी करना, बिकॉज दैट इज़ मस्ट ओवर देयर। और उसके अलावा गर्ल्स के लिए, अगर आपके घर पे कोई वन पीस पड़ा है, जैसे ड्रेसेस पड़े हैं, तो वो आप यहाँ पे रख के मत जाओ। आई नो वहाँ पे ठंडी होती है, बट आप समर्स में वो ज़रूर पहन सकते हो। अगर कोई एकदम ही ज़्यादा अच्छे 2 से 3 वन पीस है तो आप कैरी करो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो मत लेना, वहाँ पे जाके आप ले लेना वो चीज़ें। उसके अलावा अगर बॉम्बर जैकेट्स है जो लाइक नॉर्मल हमें विंड से इतना नहीं बचाता, ठंडी से नहीं बचाता, बट थोड़ा सा हमें वो सेव करेगा ठंडी से, वो आप ले लो।
बट जो विंटर जैकेट्स है वो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में आपको वहाँ पे भी जो विंटर जैकेट्स है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हो। और फिर भी अगर आपको यहीं से ख़रीदना है तो डिकैथलॉन में जाओ, -20 डिग्री का है और एक -30 डिग्री का है। मैंने दो जैकेट्स जो है वो चेकआउट करके आई थी, एक कुछ 12,000 का था और एक 15,000 का था, वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। और एल्स आपको कनाडा जाके भी 100 से 150 कनेडियन डॉलर्स में आपको अच्छा खासा विंटर जैकेट्स मिल जाएंगे, -40 -30 डिग्री के, और वो बहुत टाइम तक लास्ट करेंगे, तो वो आप ले सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और कुछ अच्छे खासे जैसे टॉप हो गए, क्रॉप टॉप्स हो गए, गर्ल्स आप वो ले सकते हो, और बॉयज़ आप जैकेट्स ले सकते हो या फिर शर्ट्स ले सकते हो जो आप किसी पार्टी में या फिर कोई भी पार्टी वेयर में पहन सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन वेयर, एक इंडियन वेयर तो ज़रूर कैरी करना। अगर कोई पार्टी रहेगी जिसमें आपको पहनना हो, अगर कुछ इंडियन पार्टी रहेगी, इंडियन फंक्शन रहेगा उसमें आपको पहनना हो, कोई फेस्टिवल रहेगा जैसे दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, तो एक इंडियन वेयर ज़रूर कैरी करना सब लोग। मैंने भी एक ही इंडियन वेयर कैरी किया, बहुत बेसिक सा है वो, मतलब मेरे पास इंडियन वेयर इतने नहीं थे तो मैंने एक ही जो है इंडियन वेयर कैरी किया है। सो दिस इज़ ऑल थिंग्स। उसके अलावा आप थर्मल ज़रूर कैरी करना, बिकॉज थर्मल आपको चाहिए ही है। डिकैथलॉन में जो आपको थर्मल्स जो है वो मिल जाएंगे, मैंने भी की है, एक थर्मल मैंने परचेस किया है, और बाकी का अगर मुझे दूसरा सेट भी लगेगा तो मैं कनाडा से परचेस करूँगी। यहाँ से आपको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही कैरी करो, बिकॉज आपका एक लिमिटेड वेट ही आप लेके जा सकते हो। सिर्फ सब कुछ मत लेके जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, नेसेसरी लगे, उसके ही 2 से 3 पैर आप लेके जाओ। उसके बाद मेरे पास ये विंटर जो स्टॉकिंग्स थी वो अवेलेबल थी, लाइक मेरे घर पे ही पड़ी हुई थी पहले से, तो वो मैं कैरी कर रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। और मैंने टी शर्ट्स और टॉप्स बहुत सारे लिए, जैसे कोई फैशनेबल ये टॉप हो गया, ये सारे मैंने लिए हैं। और एक कैप ज़रूर लेके जाना, क्योंकि लिए वहाँ पे लाइक जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे, बट उनका जो हीट है होता है, जैसे जो यूवी रेजेस होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ जैसे हम मुंबई में या फिर इंडिया में हमें धूप इतनी फील नहीं होती है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होती है, मतलब ऐसे लगता है। तो आप एक कैप ज़रूर कैरी करना, सनग्लासेस भी ज़रूर कैरी करना। तो ये हो गई, बाकी जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, दो पेयर ऑफ बेडशीट ज़रूर कैरी करना, वहाँ पे एक्सपेंसिव है। दो पेयर ऑफ बेडशीट एंड पिलो केसेस ज़रूर कैरी करना। हैंडकरचिफ 2 से 3 कैरी करना। पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 to 7 pairs ऑफ सॉक्स ज़रूर कैरी करना। टॉवेल्स कैरी करना, 2 टॉवेल्स इज़ इनाफ, 2 टॉवेल्स ज़रूर कैरी करना। इसके अलावा मैंने एक बाथरोब भी कैरी किया है, बिकॉज आई नीडेड इट, तो मैंने एक बाथरोब कैरी किया है। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कम से कम 15 to 20 pairs ऑफ अंडरगारमेंट्स लेके जाना, बिकॉज इंडिया जैसा सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है, हम रोज़ वहाँ पे कपड़े नहीं धो सकते, या फिर अल्टरनेट डेज पे हम कपड़े वहाँ पे नहीं धो सकते। वहाँ पे लॉन्ड्री के लिए कुछ $10 लगते हैं, 5 for washer and 5 for dryer, दिस इज़ दी अप्रॉक्स अमाउंट। तो आपका $10 जाएगा एक वॉश के लिए, तो आपको आप लाइक 10 से 15 डेज में आप लॉन्ड्री के लिए जाओगे, तो मेक श्योर कि आपके पास 15 से 20 डेज का बैकअप में अंडरगारमेंट्स हो, सॉक्स हो, हैंकरचीफ्स हो, जो भी आप डेली यूज़ कर रहे हो, तो ये ज़रूर लेके जाना। चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो बेसिक जो है वो आप लेके जा सकते हो। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टूडल्स। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना जो कनाडा जा रहे हैं या फिर अब्रॉड जा रहे हैं फॉर देयर फर्दर स्टडीज़, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। हाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय टूडल्स।